दोस्तों, भारत में आज भी कुछ ऐसे प्राचीन स्थान व इमारतें मौजूद। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ईशान सिन्हा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जनरल प्रोडक्शन। जैसे कि वीडियो की टाइटल और थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो हमारे किसके ऊपर रहने वाला है। जी हाँ, आज आपको ले चलता हूँ गुजरात की प्राचीन राजधानी पाटन, जहाँ पे एक बावड़ी है जिसे रानी की वाव कहते हैं, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट किया है। तो चलिए आज आपको रानी की वाव की पूरी जानकारी देता हूँ, उस शहर के बारे में भी बताता हूँ। तो चलें। दोस्तों, भारत में आज भी कुछ ऐसे प्राचीन स्थान व इमारतें मौजूद हैं जो आज भी हमारी इतिहास की कहानियां सुनाई दिखाई देते हैं। एक ऐसी ही जगह गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स, जिसे रानी की वाव अर्थात रानी की बावड़ी कहा जाता है। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईशान सिन्हा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जनरल प्रोडक्शन। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये रानी की वाव है। रानी की बावड़ी के बारे में ही कुछ अद्भुत जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, रानी की वाव अर्थात रानी की बावड़ी गुजरात के पाटन नामक गांव में स्थित है, जो भारतीय वास्तुकला का बेमिसाल नमूना है। विश्व धरोहरों की सूची में शामिल यह बावड़ी सरस्वती नदी के तट पर मौजूद है, जो मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनी एक 7 मंजिला इमारत है। यह बावड़ी इसलिए भी अन्य बावड़ियों से अलग है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें केवल पानी ही इकट्ठा नहीं किया जाता था, बल्कि इसमें चारों ओर कलाकृतियां व मूर्तियां बनी हुई है। दोस्तों, इस बावड़ी के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती द्वारा राजा भीमदेव की याद में करवाया गया था। दोस्तों, ऐतिहासिक डाटाओं के अनुसार इसका निर्माण 1082 ईस्वी से 1063 ईस्वी के दौरान हुआ ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस अनूठी बावड़ी की संरचना और इतिहास के बारे में। दोस्तों, यह बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस बावड़ी के अंदर 1500 के करीब बड़ी व मोटी मूर्तियां बनी हुई है। सीढ़ियों वाली इस भव्य बावड़ी की लंबाई 64 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है और गहराई 27 मीटर के करीब है। इस बावड़ी का निर्माण इस इलाके में पानी की कमी के चलते करवाया गया था, क्योंकि इस इलाके में बारिश कम होती थी। यह भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि रानी उदयमती ने अपनी स्वर्गवासी पति भीमदेव सोलंकी की याद में जरूरतमंद लोगों को पानी मुहैया करवाने की दृष्टि से यह विशाल बावड़ी को बनवाया था। सरस्वती नदी में आने वाली बाढ़ के कारण यह विशाल सीढ़ी नुमा बावड़ी कई सालों तक मिट्टी और कीचड़ के मलबे में दबी रही। 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस इलाके में खुदाई की। इसके बाद यह अद्भुत व ऐतिहासिक बावड़ी एक बार फिर से ज्यों की त्यों लोगों के सामने आई। दोस्तों, इस बावड़ी की दीवारों व सीढ़ियों पर मूर्तियां बनाई गई है। इन मूर्तियों की संख्या 1500 के करीब है। इस अद्भुत बावड़ी में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों के साथ साथ भगवान गणेश, कुबेर, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी के अलावा अन्य देवी देवता
देवताओं की मूर्तियाँ विशेष दर्शनीय है। साथ ही नाग कन्याओं के मूर्तियों के दर्शन भी यहाँ होते हैं और भारतीय महिलाओं के 16 श्रृंगार की बेहतरीन प्रस्तुति सबका मन मोह लेती है। दोस्तों, इस बावरी से दो मूर्तियाँ चोरी हो गई है। चोरी हुई मूर्तियों में भगवान गणेश व ब्रह्मा ब्रह्मानी की मूर्तियाँ शामिल थी। दोस्तों, इस बावरी के नीचे एक गहरा कुआं है जो ऊपर से भी दिखाई देता है। सीढ़ियों से उतरते हुए कुएं के नीचे तक जाया जा सकता है। इस कुएं के नीचे जाकर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। इस कुएं के अलावा नीचे एक छोटा गेट भी मौजूद है। इस गेट के अंदर 30 किलोमीटर के करीब एक लंबी सुरंग बनी हुई है। कहा जाता है कि इस सुरंग के अंदर से ही राजा व उसका परिवार मुश्किल समय में सुरक्षित स्थान तक पहुँचते थे। लोगों का मानना है कि यह सुरंग पाटन के सिद्धपुर तक जाती है। आजकल इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, रानी की बाव अर्थात रानी की बावड़ी के नाम से विख्यात यह 7 मंजिला ऐतिहासिक धरोहर और विशाल बावड़ी को साल 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा इस बावड़ी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारत में 2018 में जारी किए गए 100 रुपए के नोट पर भी इसकी तस्वीर को अंकित किया गया था। यह बावड़ी कला का बेजोड़ नमूना होने के साथ ही इस बात को भी पुष्ट करती है कि प्राचीन भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कितना बढ़िया व बेहतरीन था।